fellow students, myself Dr. Mamta Sim. I am working as an assistant professor in psychology, sector 6, Bhilai. आज के हमारे लेक्चर में हम MSc 4 सेमेस्टर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेपर का एक पार्ट पढ़ाएंगे जो यूनिट 1 का एक पार्ट है. आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट यूनिट में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन का यह चैप्टर, जिसका पहला टॉपिक है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस. हमें पता है कि जब भी कोई यूज़र कोई रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की भेजता है तो सारी रिक्वायरमेंट एज पर ऑर्गेनाइजेशन और उसके नीड के हिसाब से वह बनाता है और उसे पास ऑन करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास. तो उस रिक्वायरमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. इसका दूसरा नाम रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी होता है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिस्कवरी, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, कुछ भी हम कह सकते हैं. वैसे तो ये सिंपल लगता है कि रिक्वायरमेंट लेना, बट ये बहुत ही टफ वर्क होता है क्योंकि किसी के एक्सपेक्टेशन को वो जैसा सिस्टम चाह रहा है, जैसा सॉफ्टवेयर चाह रहा है, एज इट इज़ वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत ही टफ होता है. तो इसमें बहुत ही बारीकी से रिक्वायरमेंट ली जाती है. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद कस्टमर एंड एंड यूजर टू फाइंड आउट अबाउट द डोमेन रिक्वायरमेंट्स, व्हाट सर्विसेज द सिस्टम शुड प्रोवाइड एंड अदर कंस्ट्रेंट्स. इसमें सारी वो चीज़ें डिफाइन की जाती हैं कि सिस्टम क्या सर्विसेज देगा, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं. तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड डेवलपर इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. इसमें जो मैं बता रही थी आपको, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, कॉन्फ्लिक्ट्स. ये कैसे आ सकते हैं कि यूज़र जो है वो उतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होता जितना डेवलपर होता है. तो डेवलपर जो चीज़ें उसको टेक्निकल टर्म्स में बता रहा है, हो सकता है यूज़र उसको समझ ना पा रहा हो, और यूज़र जो अपनी चीज़ें बताना चाहता है डेवलपर को वो अच्छे से बता नहीं पा रहा हो. तो इन सब के कारण जो डॉक्यूमेंट बनता है रिक्वायरमेंट वो सही नहीं बन पाता. अगर SRS सही नहीं बनेगा, SRS मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो आपका सॉफ्टवेयर भी सही नहीं बन पाएगा. इसके बहुत सारे मेथड होते हैं. इसका सिंपल मेथड है जैसे इंटरव्यूज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फास्ट क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, यूज़ केस अप्रोच. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटरव्यूज़. बेसिकली इंटरव्यू जो होते हैं वो कुछ पीपल की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स करते हैं. आपस में एक दूसरे को उससे समझा जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है, हम कैसा सिस्टम देंगे. तो इसमें कई टाइप के स्टेक होल्डर्स से इंटरव्यू लिए जाते हैं, जो स्पेशली 4 लेवल में होता है. एंट्री लेवल पर्सनल, मिडिल लेवल स्टेक होल्डर, मैनेजर एंड फाइनली यूजर्स. ये इंटरव्यू में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्ट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, अनदर इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड क्वेश्चन में प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से डिफाइन होते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं. परंतु ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है उसमें रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे जैसे एक्सप्लोर होता जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. नेक्स्ट मेथड है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. ब्रेन स्टॉर्मिंग स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीपल होते हैं वो एक साथ बैठकर अपने आइडियाज़ को अगर शेयर करते हैं तो उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है. तो उस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने वाले एंड यूज़र, डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, डिज़ाइनर, सारे लोग मिलकर एक साथ बैठकर अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे और फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे. इज अ ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक बाय विच एफर्ट आर मेड टू फाइंड अ कंक्लूजन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर. नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक. शॉर्ट में इसे फास्ट भी कहा जाता है. इट इज ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द एक्सपेक्टेशन गैप डिफरेंस बिटवीन वॉट द डेवलपर्स थिंक दे आर सपोज टू बिल्ड एंड वॉट कस्टमर थिंक दे आर गोइंग टू गेट. कस्टमर क्या चाहता है, कैसे सिस्टम चाहता है और सिस्टम कैसा बन रहा है, इसके डिफरेंस को वो गैप को फिल करने का काम करता है
स्पेशली इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है उसको कैसे वो एक्चुअल में सिस्टम में ला पाता है यह देखा जाता है। जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि यूजर इंटरफेस कैसा होगा, वो सब क्रिएट किए जाते हैं और बताए जाते हैं, जिसमें हम बहुत सारे चीजें देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट, पर्पस, एलिमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, नेगोशिएट डिफरेंट अप्रोचेस। नेक्स्ट मेथड इज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, QFD. QFD is a quality management technique that translates the need of customer into technical requirement for software. Customer की जो requirement होती है उसे technical requirement में change करना QFD के अंतर्गत किया जाता है। For example कि इसमें RAM कितना होगा, languages कौन सी use होंगी, ये सारी technical requirement को, ये सारी requirement को technically डॉक्यूमेंट में लिया जाता है और यह डॉक्यूमेंट फाइनली डेवलपर को दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही सॉफ्टवेयर आगे इम्प्लीमेंट होता है। QFD से कंसंट्रेट ऑन मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को लेकर आना कि हाँ जो सुझा रहा था वो उसे मिला, ये QFD के अंतर्गत किया जाता है। इन दिस टेक्निक कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑफ प्राइम कंसर्न। There are three types of requirement are identified in QFD. Normal requirements, expected requirements and exciting requirement. Normal requirement, in this the objective and goal of the proposed software are discussed with the customer. जो main goal होता है software का वो customer से discuss किया जाता है। Expected requirement में user expect करता है कि ये तो होना ही चाहिए, जिसमें especially security होता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करना होता है, प्रोटेक्शन होता है, ये एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट में आते हैं। एंड एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जो यूजर नहीं सोच पाता कि हाँ ये होना चाहिए, पर वो डेवलपर अपनी तरफ से उसमें इंक्लूड करता है। जैसे बैकअप, शटडाउन, अगर शटडाउन हो गया अचानक तो बैकअप लेके रखे और आपके डेटा को सेव रख सके। नेक्स्ट हमारा मेथड है यूज केस अप्रोच। अ यूज केस इज अ स्ट्रक्चर फॉर डॉक्यूमेंटिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अ सिस्टम यूजुअली इन्वॉल्विंग सॉफ्टवेयर वेदर दैट इज न्यू और बीइंग चेंज्ड। किसी सॉफ्टवेयर, कोई नया सॉफ्टवेयर बन रहा है या कोई सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसमें इस यूज केस अप्रोच का यूज किया जा सकता है। बेसिकली यूज केस अप्रोच जो है वो आपका टेक्स्ट एंड पिक्चर का कॉम्बिनेशन होता है जो रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले करा सकता है। ईच यूज केस प्रोवाइड अ सेट ऑफ सिनेरियो दैट कन्वे हाउ द सिस्टम शुड इंटरैक्ट विद अ ह्यूमन यूजर और अनदर सिस्टम। हर एक यूज केस जो होता है वो एक सिनेरियो बताता है, लाइक एक हिस्ट्री या स्टोरी कह सकते हैं हम, तो उसको हम पिक्चर के माध्यम से शो करते हैं। The use case describe the what of a system and not how, hence they only give a functional view of the system. System के functional view को display करता है। इसे हम आगे देखते हैं कि इस use case में हम जब display करते हैं diagram में तो कौन कौन सी चीजों को किस किस symbol से indicate किया जाता है। इसमें different type के symbols होते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे कि यूजर को क्या बोलते हैं। यूजर को यहाँ पर एक्टर बोलते हैं। देन यूज केस, देन गोल। एक्टर, द यूजर्स दैट इंटरैक्ट विद अ सिस्टम। एन एक्टर कैन बी अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन और एन आउटसाइड सिस्टम दैट इंटरैक्ट विथ योर एप्लीकेशन और सिस्टम। हमारे सिस्टम से जो भी इंटरैक्ट करते हैं उसे एक्टर कहा जाता है। वो एक पर्सन हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या कोई आउटसाइड सिस्टम भी हो सकता है। Use case. A use case represent a distinct functionality of a system, a component, a package or a class. कोई भी component, package और class जो functionality को दिखाता हो वह use case कहलाता है। Goal. The end result of most use cases. Finally, use case का जो end result होता है that is our goal. A successful हम देखेंगे इसमें आगे कि diagram इसका कैसे बना सकते हैं। इसकी activities को एक diagrammatic रूप देने के लिए आप देखिए यूज केस एलिप्स से शो होता है
ओवल कह सकते हैं हम इसे। एक्टर के लिए ये सिंबल यूज होता है, बाउंड्री के लिए रेक्टेंगल यूज होते हैं, कनेक्शंस के लिए सिंबल यूज होगा इंक्लूड रिलेशनशिप, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप। डिफरेंट सिंबल्स का यूज करके यूज केस डायग्राम क्रिएट किए जाते हैं जो सॉफ्टवेयर को शो करते हैं। ये अब एक सिंपल सा डायग्राम एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है जिसमें एटीएम बैंकिंग सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक पर्सन जो कस्टमर है वो एक्टर कहलाएगा, उसको एक्टर के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें तीन यूज केस आपको दिख रहे हैं, विथड्रॉल मनी, डिपॉजिट मनी, चेक बैलेंस। जो भी एटीएम में प्रोसेस होती है उसका हम यूज केस तीन ले लिए, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो रेक्टेंगल में है, और ये सारी चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं किसी भी एटीएम के लिए जो हम यूज केस डायग्राम से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा डिक्शनरी। आर डेटा डिक्शनरी इज द हार्ट ऑफ एनी डेटाबेस मैनेजमेंट। किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा डिक्शनरी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जो जिसे हम सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ मेटा डेटा भी कहते हैं। उस डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड फील्ड, वो किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ये सारी चीजों का एक टेबुलर रिकॉर्ड मेंटेन करता है हमारा डेटा डिक्शनरी। द सोर्स ऑफ द डेटा फॉर ईच डेटाबेस फील्ड, अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन दैट रेफरेंस ईच डेटाबेस फील्ड, द रिलेशनशिप, मतलब डेटाबेस के अंदर जो सारी चीजें हैं, दैट मीन्स फील्ड, डेटा टाइप, रिलेशनशिप, डिफॉल्ट वैल्यूज, लास्ट अपडेटेड, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, वो सारी चीजें डेटा डिक्शनरी के माध्यम से रखी जाती हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा डिक्शनरी दिख रही है जिसमें फील्ड नेम, डेटा टाइप, जैसे फील्ड नेम क्लाइंट आईडी है अगर, तो उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, उसकी फील्ड लेंथ 10 रखी गई है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। देन क्लाइंट आईडी, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अलग अलग फील्ड नेम के डेटा टाइप अलग अलग है, उनकी फील्ड लेंथ अलग है, कंस्टेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, जो इसके लिए भी हम डिफाइन करें हैं, क्लाइंट आईडी के लिए डिफाइन है तो दिखाई दे रही है, बाकी सब में कोई कंस्टेंट नहीं लगा गया है। ये डेटा डिक्शनरी का एक सैंपल था। नेक्स्ट टॉपिक है इसका डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि डेटा फ्लो डायग्राम, सिस्टम में डेटा का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डीएफडी इज अ ट्रेडिशनल यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन अ सिस्टम। अ नीट एंड क्लियर डीएफडी कैन डिपिक्ट द राइट अमाउंट ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट ग्राफिकली। सिस्टम रिक्वायरमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा फ्लो डायग्राम का यूज किया जाता है। इट कैन बी मैनुअल, ऑटोमेटेड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट शोज हाउ डेटा एंटर्स एंड लीव द सिस्टम, व्हाट चेंजेस द इंफॉर्मेशन एंड वेयर डेटा इज स्टोर्ड। डेटा कहाँ पे स्टोर है, क्या चेंजेस है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डीएफडी इज टू शो द स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम एज अ होल। इसे डेटा फ्लो ग्राफ या बबल चार्ट भी कहा जाता है। रूल्स फॉर डीएफडी, किसी भी सिस्टम के लिए डीएफडी जब हम ड्रॉ करने चलते हैं तो कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, लाइक ईच प्रोसेस शुड हैव एट लीस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट, देन ईच डेटा स्टोर शुड एट लीस्ट वन डेटा फ्लो इन एंड वन डेटा फ्लो आउट। डेटा स्टोर्ड इन अ सिस्टम मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेस। ऑल प्रोसेसेस इन अ डीएफडी गो टू अनदर प्रोसेस और अ डेटा स्टोर। ये सिंबॉल्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस चीज को किससे शो किया जाता है, डेटा फ्लो को कैसे शो करेंगे, प्रोसेस को किससे करेंगे। तो ये सिंबॉल दिख रहा है आपको, दैट इज फॉर डेटा फ्लो, यूज टू कनेक्ट प्रोसेसेस टू ईच अदर, टू सोर्सेस और सिंक, टू एरो हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। जो एरो हेड होता है वो दिखाता है कि डेटा कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो हो रहा है। देन प्रोसेस, प्रोसेस का मीनिंग है परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट डेटा टू इल्ड आउटपुट डेटा। इनपुट डेटा में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करके उसे आउटपुट डेटा में जो चेंज करता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। देन सोर्स ऑफ सिंक और एक्सटर्नल एंटिटी, अ सोर्स ऑफ सिस्टम इनपुट और सिंक ऑफ सिस्टम आउटपुट, सिस्टम के इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है।
डेटा स्टोर अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा द एरो हेड्स इंडिकेट नेट इनपुट एंड नेट आउटपुट टू स्टोर. जो भी DBMS आप पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें डेटाबेसेस होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, तो फैकल्टी से रिलेटेड डेटा, अदर एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा, सबके लिए अलग अलग डेटा स्टोर्स क्रिएट किए जाते हैं. लेवल्स इन डेटा फ्लो डायग्राम. डेटा फ्लो डायग्राम अलग अलग लेवल में क्रिएट किए जाते हैं. इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग DFD कैन बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस. एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स हाइड ऑफ डेटा. डेटा का जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं जिन्हें हमें यूजर्स से हाइड करके रखना है, उसे हम एब्स्ट्रैक्शंस कहते हैं. तो DFD के अलग अलग लेवल में 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और उसके आगे के लेवल्स भी बनाए जा सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं 0 लेवल DFD. सबसे सिंपल तरीका होता है ये, सबसे इजी बोल सकते हैं होता है. इट इज आल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. इट इज डिजाइन टू एन ऑब्जर्वेशन ऑब्स्ट्रैक्शंस व्यू शोइंग द सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस विथ इट्स रिलेशनशिप टू एक्सटर्नल एंटिटीज. 0 लेवल DFD में बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्शन व्यू होता है. एब्स्ट्रैक्शन मतलब कुछ चीजें इसमें हाइड रहती हैं, हिडन रहती हैं. शोइंग द सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस, सिंगल पूरे के पूरे सिस्टम को एक सिंगल प्रोसेस में डिस्क्राइब किया जाता है और उसकी रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल एंटिटीज बताया जाता है. इट रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम एज अ सिंगल बबल. एक ही बबल में पूरे सिस्टम को हम इंडिकेट करते हैं विथ इनपुट एंड आउटपुट डेटा इंडिकेटेड बाय इनकमिंग आउटगोइंग एरोज. तो ये आप देख रहे हैं 0 लेवल DFD किसी भी रेलवे रिजर्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, जिसमें एक ही बबल लिया गया है और उस बबल का नाम या उस सर्कल का नाम रेलवे रिजर्वेशन दे दिया गया है. बहुत सारी चीजें इसमें हिडन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड 0 लेवल DFD. इसमें केवल पैसेंजर और एडमिन का डेटा फ्लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन डेटा, पैसेंजर टिकट कैंसिल करा रहा है, टिकट रिजर्व करा रहा है, टिकट की इंफॉर्मेशन ले रहा है. इसी प्रकार यहाँ भी डिटेल हम देख सकते हैं कि एडमिन के पास क्या डिटेल जाती है और क्या आती है. नेक्स्ट लेवल है फर्स्ट लेवल DFD. फर्स्ट लेवल DFD कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज डिकम्पोज्ड इनटू मल्टीपल बबल्स प्रोसेस. फर्स्ट लेवल DFD में जो मेन एक बबल हमने लास्ट 0 लेवल पे लिया था, उसके बहुत सारे और सब प्रोसेस कर दी जाती हैं और डेटा का एब्स्ट्रैक्शन जो हम करके रखे थे वो थोड़ा सा और एनलार्ज कर दिया जाता है और उसे खुल के बताया जाता है कि इसके अंदर और क्या सिस्टम हो सकते हैं. इन दिस लेवल वी हाईलाइट द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एंड ब्रेक डाउन द हाई लेवल प्रोसेस ऑफ 0 लेवल DFD. 0 लेवल DFD की हाई लेवल प्रोसेस को ब्रेक करके सब प्रोसेस में बांटा जाता है. हम इसमें देख सकते हैं कि एक रिजर्वेशन, जैसे उसमें केवल रेलवे रिजर्वेशन लिखा गया था फर्स्ट लेवल में, आप देख रहे हो यहाँ रेलवे रिजर्वेशन दिया गया था केवल एक बबल, बट फर्स्ट लेवल में रिजर्वेशन प्रोसेस, एंक्वायरी, टिकट जनरेशन, रिपोर्ट टू एडमिन, 4 प्रोसेस में बांट दिया गया और जिस भी डेटा को जहां से डेटा लेना है वो उसी प्रोसेस से कनेक्टेड है. जैसे आप देखेंगे रिजर्वेशन स्टोरेज है वो रिजर्वेशन प्रोसेस से कनेक्ट दिखाई दे रहा है. पैसेंजर का इंट्रैक्शन किससे होगा, इसी प्रोसेस से होगा तो उससे इंट्रैक्ट हो रहा है. एंक्वायरी का सबसे हो सकता है डाउन, इसमें जो डेटाबेस होते हैं पैसेंजर को भी चाहिए, एडमिन को भी चाहिए. तो इस प्रकार से फर्स्ट लेवल DFD जो होता है 0 लेवल DFD से आगे का प्रोसेस होता है जो थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में होता है. देन सेकंड लेवल DFD. सेकंड लेवल DFD गोज ऑन स्टेप डीपर इनटू पार्ट्स ऑफ फर्स्ट लेवल DFD. ये फर्स्ट लेवल DFD से और ज्यादा डीपर होता है. इट कैन बी यूज टू प्लान और रिकॉर्ड द स्पेसिफिक नेसेसरी डिटेल अबाउट द सिस्टम फंक्शनिंग. सिस्टम की फंक्शनिंग को और स्पेसिफिक और नेसेसरी वे में डिफाइन करता है. सेम सिस्टम के लिए आप देखेंगे 0 लेवल डायग्राम कैसा था, केवल एक प्रोसेस थी. फर्स्ट लेवल डायग्राम में 4 सब प्रोसेस हो गई और सेकेंड लेवल डायग्राम में बहुत सारी मल्टी प्रोसेस आपको दिखाई दे रही हैं और हर एक प्रोसेस का अलग अलग वर्क है. क्वेरी प्रोसेस, एंक्वायरी, रिजर्वेशन प्रोसेस, रेलवे डिपार्टमेंट,
सर्चिंग, कंफर्मेशन और जिस जो भी डेटा जिस प्रोसेस से रिलेटेड है वो उससे कनेक्टेड है, प्रोसेस उससे डेटा ले रही है और डेटा यहाँ से रिट्रीव किए जाते हैं। तो हमारे जो भी प्रोसेस की डिटेल होती है वो यहाँ बताया जाता है, सिस्टम को टोटली डिस्क्राइब किया जाता है। तो स्टूडेंट आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, इसके आगे का जो पार्ट है हम पार्ट टू में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।